हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले तो ब्लैक ड्रैगन टावर का एंड होने वाला है, आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो ठीक है गाइस, अब आपको पता चल चुका है कि ब्लैक ड्रैगन टावर कब एंड होने वाला है। तो अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो फैक्शन वॉर स्टोर में आपको क्या खरीदना चाहिए, इस बारे में मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये रही वो वीडियो, एंड कुछ और चीजों के बारे में मैं बताऊंगा, जैसे टैलेंट ट्री वगैरह। तो इसके बाद में उस पर भी जाता हूँ, बट पहले बात कर लेते हैं फैक्शन वॉर स्टोर के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर्स है, इक्विपमेंट्स है एंड कंज्यूमेबल्स। तो इनकी तरफ नहीं जाते हैं, तो हमें इक्विपमेंट और कैरेक्टर्स में से हम देखेंगे कि हमें क्या पहले लेना चाहिए। तो देखो गाइस, अगर आप कैरेक्टर्स को मैक्स आउट करने के लिए जाओगे ना, तो साल भर से ऊपर हो जाएगा, लेकिन आप किसी भी कैरेक्टर को मैक्स आउट नहीं कर पाओगे। एंड इस वीडियो को देख के भी आपको एक बात का तो आइडिया हो गया होगा कि 11 मंथ से मैं इस गेम को खेल रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने 2 कैरेक्टर्स को खरीदा ही नहीं है, और जो मेरा आर्मी है वो भी फ्यूजन 1 है। मैं अभी तक सिर्फ स्कॉर्पियन को मैक्स आउट कर पाया हूँ। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स को खरीदना बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहाँ से आप एक अर्मेक को ले सकते हैं, क्योंकि अर्मेक बॉस फाइट के लिए काफी यूजफुल है। एंड वन इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप अर्मेक फ्यूजन 0 का यूज करते हैं या फ्यूजन एक्स का, तो दोनों का सेम इफेक्ट है, दोनों ही कार्ड 10% से ज्यादा डैमेज नहीं करते हैं। अब चलते हैं इक्विपमेंट्स की तरफ। तो यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन आपके लिए कौन से इक्विपमेंट ज्यादा यूजफुल है? फॉर एग्जाम्पल, ब्लडी सोखान आर्मर, तो इसका क्या इफेक्ट? तो आप देख सकते हैं, मैंने अभी तक एक ही कार्ड खरीदा है, एंड इसका इफेक्ट है कि इंक्रीज चांस ऑफ रिफ्लेक्ट 100% स्पेशल अटैक डैमेज व्हेन ब्लॉकिंग फ्रॉम 10% टू 11%। तो उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। सिंडल्स रिंग को आप ले सकते हैं, अगर ये फ्यूजन ऑन पे रहेगा तो करीब 30% आपको क्रिटिकल हिट रिडक्शन, इंक्रीज रेसिस्टेंस टू पॉइजन एंड ब्लीड, उसके बाद इंक्रीज रेसिस्टेंस टू स्लो एंड स्टन सबसे मिलता है। तो ये एक यूजफुल इक्विपमेंट है, आप चाहे तो इसे ले सकते हैं। आप नोटिस करेंगे कि मैं ब्लेज लाइफ फोर्स को यूज करता हूँ हमेशा, लेकिन उसका जो इफेक्ट है ना, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि ये मैक्स आउट हो चुका है, कि जो इफेक्ट है हम पावर ड्रेन करने का, वो तभी काम करता है जब ये मैक्स आउट हो जाएगा। एंड फ्यूजन ऑन पे ये सिर्फ 50% चांस रहेगा फायर डॉट डैमेज देने का, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो बिगनर्स के लिए ब्लेज लाइफ फोर्स भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, आप चाहे तो इसे ले सकते हैं, डिवास्टेटर। ये एक बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है, इसमें करीब 40% चांस है कि आप ओपोनेंट के पावर को स्टील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फैक्शन वॉर खेल रहे हैं या सर्वाइवल मोड खेल रहे हैं, एंड ओपोनेंट में आपका लुइकांग है या सावखान है, वो जब भी फील्ड में आते हैं तो उनके पास 3-2 या एटलीस्ट 1 बार पावर रहता ही है। तो डिवास्टेटर से क्या होता है ना कि आप उनके उस पावर को चोरी कर सकते हैं, तो ये काफी इफेक्टिव है। प्लस आई थिंक 10% या 15% ये डैमेज बूस्ट देता है स्पेशल अटैक 1 में, तो ये काफी यूजफुल है, आप चाहे तो इसे ले सकते हैं। यहाँ पे एक और काफी कमाल का इक्विपमेंट है, ब्लडी बुडो डॉल, ये पावर जनरेशन बूस्ट देता है आपको करीब 25%। तो इस इक्विपमेंट को आप मैक्स आउट कर सकते हैं टावर के अंदर, अगर आप स्कॉर्पियन क्लासिक स्कॉर्पियन को यूज करेंगे या इन्फर्नो स्कॉर्पियन को यूज करते हैं हार्ड बैटल्स के अंदर। तो पावर जनरेशन काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आपके लिए, आप कंटिन्यूसली स्पेशल वन स्पैम कर सकते हैं। तो ब्लडी बुडो डॉल काफी अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद शैडो स्लैश, ये भी काफी इफेक्टिव इक्विपमेंट है, मतलब अगर आप ओपोनेंट के अनब्लॉकेबल चांस को हटाना चाहते हैं तो इस कार्ड को आप ले सकते हैं, अदरवाइज इसे नहीं भी लेंगे तो चलेगा। अकॉर्डिंग टू मी 4 इक्विपमेंट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंडल्स रिंग, उसके बाद ब्लेज लाइफ फोर्स, डिवास्टेटर एंड ब्लडी बुडो डॉल। ब्लडी टामाहॉक भी काफी अच्छा कार्ड है, लेकिन इंक्रीज चांस ऑफ ड्रेन 30% पावर ऑन स्पेशल अटैक 2 फ्रॉम 20 to 22%। स्पेशल 2 में 20% चांस है कि आप पावर ड्रेन कर सकते हैं ओपोनेंट का, बट 20% चांस के लिए 400+ रुपीज को स्पेंड करना, आई डोंट नो गाइस, मतलब अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट मुझे कुछ बहुत ही ज्यादा यूजफुल नहीं लग रहा है। हाँ, अगर आप केसी केज यूज करते हैं बहुत ज्यादा तो आप इस कार्ड को ले सकते हैं, बट फिर भी चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, तो आपकी मर्जी, अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले सकते। एंड यहाँ एक और कमाल का इक्विपमेंट है गाइस, मोलेज बॉल, जो कि आपको लीथल ब्लो का चांस देता है। एंड मैंने अपनी वीडियोस में बताया कि जो लीथल ब्लो है उससे जो डैमेज होता है ना 300% इंक्रीज हो जाता है, बट जब आप इसे फर्स्ट टाइम लेंगे तो करीब 5% मिलेगा आपको चांस, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। एंड अगर आप इसे मैक्स आउट भी कर लेंगे ना तो ओनली 15% होगा चांस, एक सेकंड, 15% नहीं, ओनली 10%, तो बस 10% चांस होगा। अगर आप बिगनर हो तो आपको ये इक्विपमेंट गलती से भी नहीं लेना चाहिए। तो 4 इक्विपमेंट्स मैं रेकमेंड करूंगा गाइस, अगर आप लेना चाहें तो, अगर आप बिगनर है तो इन 4 इक्विपमेंट्स को आपको लेना चाहिए। सबसे पहले तो डिवास्टेटर, उसके बाद ब्लडी बुडो डॉल, उसके बाद सिंडल्स रिंग एंड फाइनली ब्लेज लाइफ फोर्स, क्योंकि ब्लेज लाइफ फोर्स का जो इफेक्ट है ना
वो मैक्सआउट होने के बाद ही ज्यादा अच्छा रहता है। मतलब अपोनेंट पे फाइट और डैमेज आएगा, ये भी काफी अच्छी एबिलिटी है, बट शुरू के 10-15 सेकंड के अंदर ही वो जो डैमेज है ना, डॉट डैमेज, वो चला जाता है, तो इसलिए ये उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है बिगनर्स के लिए। अब कैरेक्टर्स में आते हैं, तो कैरेक्टर्स में मैंने आपको बता दिया कि एक अर्मेक आप ले सकते हैं एंड स्कॉर्पियन काफी ज्यादा यूजफुल है टावर के लिए। तो अगर आप इन चार इक्विपमेंट्स को मैक्स आउट कर लेते हैं तो उसके बाद स्कॉर्पियन के लिए जा सकते हैं। अब गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ टैलेंट ट्री। तो ये जो टैलेंट मैंने अभी सेट किया ना गाइस, ये मेरे करंट टीम के ऊपर डिपेंड करता है। जो मेरी करंट टीम अभी मैं यूज कर रहा हूँ ना, जो कि क्लासिक लुइकांग टीम है, उसी के लिए मैंने इस टैलेंट को सेट किया जो कम्प्लीटली ऑफेंसिव है। अगर आप गोल्ड कैरेक्टर्स को यूज करते हैं जैसे जॉनी केज हो गया, केसी केज या कॉम्बार्ट कप सोनिया ब्लेड, हांजो हतासी, तो इस टैलेंट को आप सेट मत कीजिएगा क्योंकि ये टैलेंट कम्प्लीटली ऑफेंसिव है। अगर आपको अपनी टीम के हिसाब से एक टैलेंट ट्री चाहिए, तो मैंने एक टैलेंट ट्री सेट की थी ब्लैक ड्रैगन टावर के लिए, गोल्ड टीम के लिए, उसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। एंड यहाँ एक टैलेंट है इडिनियास चैंपियन, 10% चांस है कि आपका स्पेशल टू कोई भी पावर यूज नहीं करेगा, कभी कभार 2 या 3 इन्हें रो एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ कुछ बताने के लिए, हाँ एक और बात मैं बता देता हूँ कि यहाँ कार्ड पैक के अंदर ना अभी बहुत सारे कार्ड आए हुए हैं। तो गाइस अगर आपको कार्ड्स खरीदने हैं, डायमंड्स पैक के अंदर 2 ही पैक बेस्ट हैं। पहला तो इलाइट नेदरियम एल्डर गॉड पैक। मैं इस नेदरियम एल्डर गॉड पैक की बात नहीं कर रहा हूँ, इलाइट नेदरियम एल्डर गॉड पैक वो दूसरा पैक है, ठीक है, उसका प्राइस करीब 450 सोल्स है, उस पैक को आप ले सकते हैं। या MK11 डायमंड पैक, मतलब डायमंड MK11 पैक, इस पैक को आप ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर करीब 18% चांस है डायमंड कैरेक्टर मिलने के। एंड वो जो इलाइट नेदरियम एल्डर गॉड पैक है ना, उसके अंदर करीब 27.47% चांस है डायमंड कैरेक्टर मिलने के। एंड उसके अंदर करीब 14 डायमंड्स हैं, जिसमें से जो 12 डायमंड्स हैं वो बहुत ही कमाल के डायमंड्स हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा उसी पैक को लेने की, लेकिन वो पैक अगर नहीं है या अगर आप 1 या 1.5 महीने वेट नहीं कर सकते तो डायमंड MK11 पैक को आप खरीद सकते हैं। ये भी काफी कमाल का पैक है, इसके अंदर भी डायमंड्स काफी जल्दी जल्दी मिलते हैं। और जिनको भी स्कारलेट सब जीरो या स्कॉर्पियन चाहिए तो वो इस पैक को ओपन कर सकते हैं, स्कारलेट MK11 डायमंड पैक, जो कि मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा, इसके अंदर चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है एंड ये बहुत ही टेरिबल पैक है बिगनर्स के लिए। अगर आपने पैक ओपन किया, आपको 1 या 2 पैक में डायमंड कार्ड मिल गया तो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट ये बहुत ही ज्यादा टेरिबल पैक है। हो सकता है कि आप 10-12 हजार सोल्स स्पेंड करो और आपको एक सिंगल स्कॉर्पियन ना मिले। स्कॉर्पियन काफी कमाल का कैरेक्टर है, फ्यूजन जीरो में भी काफी कमाल का है, बट नॉट वर्थ इट गाइस। जितने सोल्स आप इस पे स्पेंड करेंगे ना स्कॉर्पियन के लिए, उससे बेटर है कि अगर सेल पे टर्मिनेटर पैक आएगा ना, उसी को आप ओपन कर लीजिए। उसमें एटलीस्ट इतना तो है कि रैंडमली आपको स्कॉर्पियन मिल सकता है, इसमें स्कॉर्पियन मिलेगा लेकिन बहुत कम चांस है, तो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता गाइस आपको ये पैक ओपन करने के लिए। उसके बाद इलाइट स्पेको पैक है, अगर स्ट्राइक फोर्स टीम आपकी फेवरेट टीम है तो इस पैक को आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन अभी ओपन मत कीजिएगा, 4 जुलाई को सेल है, तो उस सेल पे आप इस पैक, अगर ये पैक आता है तो इस पैक को आप ओपन कर सकते हैं। आई थिंक उस टाइम पे इसका प्राइस करीब 300 सोल्स हो जाएगा अगर उस टाइम पे ये पैक आता है तो। अब डिस्काउंट वाले दिन कौन सा पैक आने वाला है ये कम्प्लीटली रैंडम होता है, किसी को कोई आइडिया नहीं कि कौन सा पैक आने वाला है। तो आई थिंक मैंने बहुत सारी बातें कर ली है। अब अगर आपको ये जानना है कि कारो गाइडेंस को कैसे पाते हैं या कैसे अनलॉक करते हैं, तो यहाँ पे एक क्वेस्ट है आर्ट वर्ल्ड के अंदर, टावर नंबर 10 में किसी भी क्वेस्ट को आप कर सकते हैं। चांसेस काफी हाई होते हैं, अगर आप वन डे वाले क्वेस्ट करते हैं ना तो हर दूसरे या तीसरे दिन आपको एक कारो गाइडेंस मिलेगा। तो मेरा कारो गाइडेंस अभी तक मैक्स आउट नहीं हुआ है, अभी फ्यूजन 5 पे है शायद। अगर आप उसे मैक्स आउट कर लेते हैं तो करीब 30% हेल्थ बूस्ट मिलता है आपको, प्लस 15% क्वेस्ट बोनस बूस्ट मिलता है, तो यहाँ से आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। आप चाहे तो 1 आवर के क्वेस्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं टावर नंबर 6 के अंदर, बट यहाँ पे कारो गाइडेंस मिलने के चांसेस काफी कम होते हैं। हो सकता है कि आप 1 महीने तक क्वेस्ट करते रहें और आपको एक भी कारो गाइडेंस नहीं मिले। तो अगर आपको कारो गाइडेंस चाहिए तो टावर नंबर 10 के अंदर कोई भी 1 डे वाले क्वेस्ट कीजिए एंड आपको कारो गाइडेंस मिल जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को आज कवर कर लिया है।